जनमन में आ गया हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। चुनमुन, इसको लगता है कि ये यहाँ तुमको बचाने आया है। गर्मियों के दिन शुरू हो चुके थे। मिट्ठू एक पेड़ की छांव में बैठा हुआ था, तभी उसके पास आसमान से एक चिड़िया आकर गिरी, जिसके पंख में चोट लगी थी। कहाँ गई चुनमुन? आज नहीं तो कल मैं तुझे अपना शिकार बना कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर वो बाज वहाँ से उड़ गया। अरे तुमको चोट कैसे लगी? उस बाज ने हमला किया था। वो तो अब जा चुका है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चुनमुन है। बहुत प्यारा नाम है। तुम मेरे साथ चलो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। सच में? हाँ, मैं और मम्मी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। चुनमुन खुश हुई और मिट्ठू के साथ एक गुफा में पहुंची। वहाँ मिट्ठू की माँ मैना एक लाल पत्थर के पास बैठी थी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। अरे तुम तो बहुत प्यारी चिड़िया हो, क्या नाम है तुम्हारा और ये चोट तुमको कैसे आई? मेरा नाम चुनमुन है। गोल्डी नाम का एक बाज कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा है। आज उसी से बचते बचाते मैं आपके जंगल में आ पहुँची। ये चोट भी मुझे तभी लगी जब मैं उससे बचकर भाग रही थी। चलो कोई बात नहीं, अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम हमारे साथ इसी गुफा में रहोगी। ये सुनकर मिट्ठू बहुत खुश हो गया और चुनमुन भी उनके साथ उसी गुफा में रहने लगी। मिट्ठू, एक बात समझ नहीं आती, तुम्हारी फैमिली बाकी पक्षियों की तरह घोंसले में क्यों नहीं रहती और तुम्हारी मम्मी जिस पत्थर के पास बैठी रहती है उसका रंग रोजाना कैसे बदल जाता है? वैसे तो ये राज की बात है, लेकिन तुम मेरी अच्छी दोस्त हो इसलिए बता देता हूँ। असल में वो एक जादुई पत्थर है। इन सर्दियों में हमारे जंगल में आसमान से एक परी आकर गिरी थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको अपनी सेहत अच्छी करने के लिए हमारे जंगल का नीला फूल चाहिए था। हम सभी जानवरों ने मिलकर कई दिनों तक रोजाना उसको हमारे जंगल का खास नीला फूल खिलाया था। वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गई थी। जाने से पहले उसने हमें ये पत्थर दिया था और कहा था कि गर्मियों के मौसम में ये पत्थर रोजाना एक नया रंग बदलेगा। 10वें दिन ये पत्थर जब हरे रंग का हो जाएगा तो हमें इसको हमारे जंगल के तालाब के पास जो टीला है ना उस पर रख देना है। उसके बाद सूरज की किरण इस पर पड़ते ही सूरज की धूप से आने वाली तपिश बहुत कम हो जाएगी। हमारा जंगल गर्मियों में भी ठंडा रहेगा। ये तो बहुत काम का पत्थर है। इसकी हिफाजत करने की वजह से ही हम इस गुफा के अंदर रहते हैं। अगर इसको किसी जानवर ने खा लिया तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन हम इसको सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए इसको टीले पर ही रखेंगे। लेकिन किसी ने इसको टीले से चुराने की कोशिश की तो? वहाँ हम इसको एक बार रख देंगे तो ये हमेशा के लिए उससे चिपक जाएगा। बस हमें इसकी रखवाली करनी है। अच्छी बात है, आज से मैं भी इसकी हिफाजत करूँगी। अब पत्थर को रंग बदलते 9 दिन बीत चुके थे। उस रात मिट्ठू, मैना और चुनमुन तीनों गुफा में आराम से सो रहे थे। जब सुबह मिट्ठू और मैना जागे तो उन्होंने देखा कि चुनमुन और पत्थर दोनों गुफा से गायब हैं। तभी शेर खान भी कुछ जानवरों के साथ वहां आ पहुंचा। आज 10वां दिन है, उस पत्थर को टीले पर लगाने का टाइम आ गया है। कहां है वो पत्थर? ये सुनकर मिट्ठू और मैना ने उनको सब कुछ बता दिया। तुम दोनों ने बाहर से आई हुई चिड़िया पर कैसे भरोसा कर लिया? मैं उसको कैसे भी ढूंढ कर लाऊंगा। चुनमुन चोरी नहीं कर सकती, मुझे पता है। जरूर गोल्डी ने ही उसको और जादुई पत्थर को गायब किया है। मिट्ठू उसकी तलाश में वहाँ से निकल गया। जंगल में गर्मी की वजह से महामारी सी फैल गई। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे, कई जानवरों की गर्मी के मारे तबीयत खराब हो गई। मिट्ठू दोपहर तक एक जगह जा पहुंचा, जहाँ चुनमुन और गोल्डी दोनों जमा थे और पत्थर भी उनके बीच रखा था। चुनमुन, मैं आ गया हूँ, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। चुनमुन, इसको लगता है कि ये यहाँ तुमको बचाने आया है। जरा इस बेवकूफ को अपनी असलियत बताओ। मिट्ठू, मैं और गोल्डी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। उस दिन मैंने जो कुछ किया वो सब एक ड्रामा था।
मुझे बस तबीयत खराब करने का बहाना करके तुम्हारे घर में घुसना था और वो पत्थर चुरा कर गोल्डी को लाकर देना था। इसका मतलब शेर खान ठीक कह रहा था, तुम एक धोखेबाज हो, तुम पर भरोसा करके हमने ठीक नहीं किया। अब बहुत हो गया ड्रामा। गोल्डी ने मिट्टू को चोंच मार मार कर घायल कर दिया, उसको रस्सी से बांध दिया और पत्थर की तरफ बढ़ने लगा। चुनमुन इसे रोको, हमारे जंगल के जानवर गर्मी से बहुत परेशान हैं। अगर ये पत्थर वहाँ नहीं पहुँचा तो उनको मरने की नौबत आ जाएगी। अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। मैं इस पत्थर को निगल जाऊंगा तो मुझे कई शक्तियाँ हासिल हो जाएंगी। गोल्डी ने हंसते हुए उस पत्थर को अपनी चोंच में दबा लिया और उसको निगल गया। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी रुक गई और सांस अटक कर रह गई। ये क्या हो रहा है मेरे गले को? आ, ओ, ओ। गोल्डी, जो पत्थर तुमने जादुई समझकर निगला है वो असल में एक आम पत्थर है। ये सुनकर मिट्ठू हैरानी से चुनमुन को देखता रह गया। मैंने तुम्हारे कहने पर वो पत्थर चुरा तो लिया था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि जिन पक्षियों ने मेरा इतना ध्यान रखा और जो सबकी भलाई चाहते हैं, उनके साथ धोखा करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैंने उसी पत्थर के जैसा आम पत्थर ढूंढा और तुमको दे दिया। ये सुनकर गोल्डी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके गले में पत्थर फंस चुका था जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही थी। थोड़ी ही देर तक चीखने चिल्लाने के बाद गोल्डी ने वहीं दम तोड़ दिया। फिर चुनमुन ने मिट्ठू को रस्सियों से आजाद किया। इस तरफ जंगल में सभी जानवर तालाब के पास जमा थे। तालाब का पानी भी गर्म आ रहा था। कई जानवर आसपास बीमार हालत में पड़े थे। जब सभी जानवरों ने मिट्ठू और चुनमुन को आते देखा तो सभी बहुत खुश हो गए। मिट्ठू ने अपने पंजों में दबा हुआ पत्थर टीले पर रखा। ऐसा करते ही उस पर सूरज की किरणें पड़ी और वो चमकने लगा। सूरज की धूप एकदम हल्की हो गई और मौसम ठंडा हो गया। अब तालाब का पानी भी ठंडा होने लगा। सभी जानवरों ने अब बहुत अच्छा महसूस किया। चुनमुन की वजह से ये पत्थर वापस आ पाया है, वरना गोल्डी से खाकर पूरे जंगल को अपना गुलाम बनाने वाला था। ये कहकर मिट्ठू ने जानवरों को सब कुछ बता दिया। सभी ने चुनमुन की तारीफ की और उस दिन के बाद चुनमुन सभी के साथ उसी जंगल में रहने लगी। गर्मियों के मौसम में भी अब वहाँ का मौसम बहुत ठंडा और सुहाना रहने लगा।